नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। आज हम शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है हर भारतीय की जेब से जुड़ी हुई। आज की पहली और बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के पैकेज की नई दरें लागू कर दी है। कंसल्टेशन फीस अब 350 रुपये तय की गई है। ICU के लिए एक दिन का खर्च 5,400 रुपये तय किया गया है। CGHS कार्ड धारकों को सामान्य वार्ड के लिए कमरे का किराया रिवाइज कर 1,500 रुपये किया गया है। सेमी प्राइवेट वार्ड के कमरे का किराया 3,000 रुपये और प्राइवेट रूम का किराया 4,500 रुपये किया गया है। बाजार नियामक सेविंग ने स्टॉक एक्सचेंज पर सेम डे सेटलमेंट शुरू करने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस पेपर में ऑप्शनल बेसिस पर रियल टाइम सेटलमेंट का भी विकल्प रखा गया है। सेविंग इक्विटी कैश सेगमेंट के लिए सेकेंडरी बाजार में मौजूदा T+1 सेटलमेंट साइकिल की जगह T+0 सेटलमेंट साइकिल को पेश करने का प्रस्ताव रखा है। सेविंग ने पहले चरण में दोपहर 1:30 बजे तक के ट्रेड के लिए T+0 सेटलमेंट साइकिल का प्रस्ताव रखा है। इसमें 4:30 बजे तक फंड और सिक्योरिटीज़ का सेटलमेंट पूरा करना होगा। दूसरे चरण में 3:30 बजे तक सभी ट्रेड के लिए रियल टाइम सेटलमेंट करना अनिवार्य होगा। देश के चालू खाते के घाटे में कमी आई है। चालू खाता घाटा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कम होकर GDP का 1% यानी $8.3 अरब हो गया। मुख्य रूप से वस्तु व्यापार का घाटा कम होने और सेवा निर्यात बढ़ने से चालू खाते का घाटा कम हुआ है। चालू खाता घाटा पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में GDP का 3.8% यानी $30.9 अरब था। रिजर्व बैंक के अनुसार सॉफ्टवेयर निर्यात, व्यापार और यात्री सेवाएं बढ़ने से सेवा निर्यात सालाना आधार पर 4.2% की दर से बढ़ा। विदेशी बाजारों में मजबूती के बीच दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 250 रुपये की तेजी के साथ 63,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 350 रुपये मजबूत होकर 79,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना मजबूती के साथ $2,062 प्रति ओंस हो गया। चांदी भी मामूली बढ़त के साथ $24.34 प्रति ओंस रही। शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे सत्र तेजी रही। BSE सेंसेक्स 229 अंक की तेजी के साथ 71,336 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी करीब 92 अंक की बढ़त के साथ 21,441 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अगले साल नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद से बाजार में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर जोखिम के बीच FII की पूंजी निकासी और शेयरों के अधिक मूल्यांकन के बावजूद घरेलू बाजार में तेजी रही। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के बोर्ड ने गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक शाखा कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। IFSC में LIC का शाखा कार्यालय खुलने से कंपनी को वैश्विक कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी स्थित IFSC भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। अरबपति कारोबारी गौतम अदानी और उनका परिवार समूह की ग्रीन एनर्जी कंपनी में 9,350 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कंपनी ने 2030 तक 45 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बोर्ड ने प्रोमोटर्स को 1,480 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 6.31 करोड़ वारंट जारी करने को मंजूरी दी है। इस निवेश का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा। इस निवेश के बाद अदानी ग्रीन एनर्जी में प्रोमोटर ग्रुप को 3.8% इक्विटी हिस्सेदारी मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े एक बड़े नियम में बदलाव होने वाला है। इससे ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। NCGRC ने हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों की समीक्षा करने की सिफारिश की है। अभी तक अस्पताल में 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए भर्ती होने पर ही मेडिक्लेम मिलता है, लेकिन जल्द ही इस नियम को खत्म किया जा सकता है। सरकार ने NCGRC से मेडिक्लेम का लाभ हासिल करने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की शर्त की समीक्षा करने को कहा है। कई तरह के उपचार ऐसे होते हैं जिसमें 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इस नियम में बदलाव करने पर जोर दिया जा रहा है। पंजाब और केरल के जिला उपभोक्ता कमीशन के हालिया फैसले से नियमों में बदलाव लाने पर विचार शुरू हुआ है। पंजाब के फिरोजपुर में जिला उपभोक्ता कमीशन ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के 24 घंटे अस्पताल में भर्ती न होने के कारण मेडिकल क्लेम खारिज करने को गलत ठहराया और मरीज को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ देने का आदेश दिया है। इस तरह का ये पहला मामला है देश में।
आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 को नोटिफाई कर दिया है। इन नए फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में टैक्स पेयर को नकद में मिली रकम और सभी बैंक खातों के बारे में जानकारी देनी होगी। आईटीआर फॉर्म 1 को सहज के नाम से जाना जाता है और इसे 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक घर, ब्याज और 5,000 रुपये तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति भरते हैं। आईटीआर फॉर्म 4 को सुगम के नाम से पुकारा जाता है और इस फॉर्म को पेशेवर व्यक्ति, हिंदू अभिभाजित परिवार और LLP कंपनियां भरती हैं। और अब चलते चलते बताते हैं आपको आईपीओ से जुड़ी खबर। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने 5500 करोड़ रुपए के आईपीओ से जुड़ी योजना का खुलासा किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है कि वह 1226 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने सेल विनिर्माण संयंत्र की क्षमता बढ़ाने पर करेगा। आईपीओ से जुटाए गए 1600 करोड़ रुपए का इस्तेमाल रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। अन्य 800 करोड़ रुपए से कर्ज चुकाया जाएगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप Money9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।